नमस्कार, मैं अनीता और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। नीरज हत्याकांड की कहानी में अब खुलासे पर खुलासे होने लगे हैं। पुलिस ने अब उस शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस ने डटखोरा थाना क्षेत्र से भास्कर झा को गिरफ्तार किया। भास्कर झा के पास से एक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस बरामद हुआ। भास्कर कदवा थाना क्षेत्र के निर्मल बुबना हत्याकांड में भी आरोपी है। फिलहाल वो जेल से बेल पर बाहर है। बताते चले, 6 मार्च को कोढ़ा विधायक कविता पासवान के भतीजे नीरज पासवान को नगर थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलर सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नामजद आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। एसपी जितेंद्र कुमार ने जल्द ही पूरे मामले की उद्भेदन का भरोसा दिया है। कटिहार जिला के नगर थाना अंतर्गत 6 मार्च को जो घटना हुई थी, नीरज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसमें जो मेन शूटर था, पुलिस की तत्परता से जो है उसको उसी समय पकड़ा गया था। लाइनर था वो भी पकड़ा गया था। 2 लोग थे वो जेल में थे और एक जो रवि जायसवाल था जो मेन आदमी था वो भी पकड़ा गया, वो सरेंडर किया कोर्ट में। आज हम लोग को उसी केस में एक सफलता मिली है। इसमें भास्कर झा ये जो है गिरफ्तार हुआ है पिस्टल के साथ। इसमें आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक पिस्टल है, जिंदा कारतूस है 3, और राइफल की भी जो गोली है वो भी 7 जिंदा कारतूस गोली है इसके पास से बरामद हुआ है। जो घटनाक्रम हुआ था, जो शूटर है, जो आलोक प्रधान है, उसको इसी ने यहाँ पर बैगना के पास जो है रूम दिलवाया था। और जो शूटर के साथ एक और आदमी था, राजा झा और ये भास्कर झा। तो राजा झा जो है, जैसा कि आप देखते हैं, वो मोटरसाइकिल पर भी जो है वो दिखता है और ये उसका एसोसिएट है। यहाँ का एक बहुत फेमस केस है जो कदवा में गोली मारकर हत्या की गई थी 2021 में, उसमें ये भास्कर झा भी जो है जेल जा चुका है और ये मेन राजा झा का जो है एसोसिएट है। तो इन सभी लोगों ने जो है एक तरह से प्लानिंग करके, साजिश करके शूटर को इसने रुकवाया था यहाँ पर। और रुपये भी जो है जो पे किए थे मकान मालिक को, उसका भी प्रूफ है जो ऑनलाइन जो इन लोगों ने पेमेंट किया था। तो ये जितना भी एक एक कड़ी है, उस कड़ी में जितने भी लोग आ रहे हैं उसको हम लोग अनुसंधान में उन लोगों को ला रहे हैं डायरी में। और इस सभी लोगों को जो है हम लोग विधिवत जो करवाई, हम लोग सराउंडिंग में था और जो 2 लोग थे उसमें जो मेन जो गोली मारने वाला था तो आलोक प्रधान था, तो उसी समय पकड़ा गया था। और एक था एक आदमी उसके उस समय था राजा झा, और ये भी आदमी जो है आसपास संग्राम चौक और उसी एरिया में जो था ये था। ये कहाँ से गिरफ्तार? ये डंडखोरा थाना के अंतर्गत से इसकी गिरफ्तारी।